ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको ले चलते हैं जयपुर में, जहां पर आज मेट्रो की टेस्टिंग की गई, जिसको लेकर आज आपको बता दें कि बाल दिवस है। बाल दिवस के मौके पर बच्चों को मुफ्त में, पूरा मुफ्त में घुमाया गया। उसको लेकर आज हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत की। आज पूरे देश के अंदर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इसी मौके के ऊपर जयपुर मेट्रो के अंदर मेट्रो के बस एक छोटा देश के पहले प्रधानमंत्री का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन सूबे की सरकार ने छोटे बच्चों को, क्योंकि नौनिहाली देश का भविष्य संवार सकते हैं, उनके लिए खास सौगात दी गई है। जयपुर मेट्रो में सवारी की और यहां पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में वो जाने। बच्चे यहां पर आप देख सकते हैं, सूबे के जो चिकित्सा मंत्री हैं वो भी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। सर, एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के न केवल पहले प्रधानमंत्री थे बल्कि युग दृष्टा थे। वो उनकी सोच और उनके जो किए हुए निर्णय हैं, उन निर्णयों की बदौलत आज देश इतना विकसित राष्ट्र बन पाया है। और जिस तरह से सर्वांगीण विकास देश का हुआ है पिछले 70 सालों में, ये नेहरू की सोच, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री वो बने, 17 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, इस देश के लोगों ने उनको 17 साल तक देश का प्रधानमंत्री बना के रखा। तो उन्होंने जो ढांचागत विकास इस देश का और जो बुनियादी विकास की नींव रखी, वो आज परिलक्षित हो रही है विकसित राष्ट्र के रूप में। और चाहे विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे बड़े बांध बनाने की बात हो, चाहे इस्पात का कारखाना या बड़े और कल कारखाने इस देश में स्थापित करने की बात हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, ये सोच उस जमाने में जब देश आजाद हुआ, एक सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, उस जमाने में प्लानिंग कमीशन के माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, चाहे UGC बनाई हो उन्होंने, पंडित नेहरू का सोच इस देश को जिस तेजी से विकास के रास्ते पर लेके आया है, और जिस तरह से आजादी से पहले 10-12 साल जवानी के एक संपन्न परिवार में पैदा होने के बावजूद देश की आजादी के लिए उन्होंने महात्मा गांधी की रहनुमाई में जेलों में व्यतीत किए, यातनाएं सही, आज उस महान व्यक्तित्व का 130वां जन्मदिन है। और चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो आज राजस्थान सरकार ने जो ये कार्यक्रम बनाए, चाहे बच्चों को फिल्म दिखाना हो, चाहे बच्चों को मेट्रो में यात्रा करानी हो, चाहे नेहरू जी के जीवन पे एग्जीबिशन लगानी हो, ये तमाम प्रोग्राम इस उद्देश्य से लगाए गए कि नेहरू जी से इस देश की नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, और जो रास्ता उन्होंने देश को दिखाया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका जो कृतित्व और उनका व्यक्तित्व है, उसके बारे में देश की नौजवान पीढ़ी को मालूम पड़े, ताकि वो भी उसी रास्ते पे देश को मजबूत बनाने में, हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने में, हमारे संविधान को मजबूत बनाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। सर, अभी आप बच्चों से बात कर रहे थे, नेहरू जी ने जो पुस्तकें लिखी है वो भी आज बच्चों के लिए सागर्भित है। मैंने कहा ना आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको जो पढ़ लेगा तो उसका एकदम विजन क्लियर हो जाएगा कि नेहरू क्या थे और देश के बारे में उनका क्या सोच था। कितनी किताबें लिखी है उन्होंने, जेल में से अपनी बेटी को जो पत्र उन्होंने लिखे हैं उसकी भी किताबें छपी है। एक पिता अपनी पुत्री को जेल में रहते हुए क्या सारगर्भित बातें बता सकता है, एक तरफ उनकी पत्नी बीमार अवस्था में कब दम तोड़ दे और वो जेल में थे, और उनकी जो छोटी बच्ची थी इंदिरा जी, जो देश की प्रधानमंत्री बनी बाद में, तो ये जो उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस हुई वो भी नई पीढ़ी को मालूम पड़े, तो मैं समझता हूँ कि इनके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगी। तो वाकई सही कह रहे हैं कि किस तरह से आज भी कई दशकों पहले जो किताबें लिखी गई थी, आज भी जो युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अगर पढ़ाई जाए तो ये किताबें सारगर्भित साबित हो सकती है। जो नौनिहाल है वही देश का भविष्य है।
ऐसे में उम्मीद की जा सकती है सरकारें इन बच्चों के लिए आगे भी ऐसे प्रयास करती रहे। सहयोगी मनोज हरित के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।